आज पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और हर जगह जो एजुकेशन है वो अब और बेहतर होती हुई दिख रही है। इसी का ही एक परिणाम है कि हम देख रहे हैं कि जशपुर के श्रेयांश थर्ड टॉपर बने हैं, महासमुंद की महक अग्रवाल 12वीं में टॉप करती हैं, 12वीं में जशपुर की ही आयुषी गुप्ता थर्ड टॉपर बनती हैं, 10वीं में जशपुर की सिमरन शबा ने टॉप किया है। तो जशपुर का नाम तो चारों तरफ गूंज रहा है शिक्षा के मामले में। देखिए बिल्कुल, और इत्तेफाक से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो भी उसी इलाके से आते हैं और इस बार उन्हीं के इलाके से बच्चों ने टॉप किया है। तो या इसे इत्तेफाक कहें या फिर बच्चों की तैयारी कहें या टैलेंट कहें कि उसी इलाके से टैलेंट निकल कर आ रहा है, कई तरह की बातें कही जा सकती हैं। लेकिन जशपुर इलाके से अगर हम बात करें तो चाहे वो 10वीं हो चाहे वो 12वीं में हो, दोनों ही कक्षाओं में बच्चों ने टॉप किया और एक बेहतर बात है। छत्तीसगढ़ का ये वो इलाका जो आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकसित क्षेत्र नहीं कहलाता और उस क्षेत्र से बच्चे निकल कर आ रहे हैं, ग्रामीण इलाकों से बच्चे निकल कर आ रहे हैं जो प्रदेश में टॉप कर रहे हैं, मिसाल बन रहे हैं कि बड़े बड़े कैपिटल हैं जो हम बात करें, या रायपुर शहर की बात कर लें, बिलासपुर शहर की बात कर लें, हम जगदलपुर शहर की बात कर लें, दुर्ग भिलाई की बात कर लें, ये 4-5 शहर हैं जो प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में शुमार हैं। और इन शहरों से ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी नहीं निकले बच्चे, लेकिन यहाँ से बच्चों की संख्या कम है, मतलब बच्चों की रुचि या फिर यूँ कहा जाए कि टीचर्स की रुचि या फिर अभिभावकों की रुचि, ये कहीं ना कहीं मायने रखती भी है। देखिए जब कोई बच्चा टॉप करता है तो सिर्फ उसमें अकेले बच्चे की मेहनत नहीं होती और साल भर टीचर्स जिस माहौल में वो रह रहा है, वो माहौल, वो माता पिता का व्यवहार, माता पिता का पढ़ा लिखा होना, माता पिता का डेडिकेशन, ये तमाम चीज़ें मायने रखती हैं। तब जाकर बच्चा साल भर में जब उसका रिजल्ट आता है तो वो टॉपर लिस्ट में जब उसका नाम आता है तो ये सबकी मेहनत मिला जुला कर उसका ये कहीं ना कहीं परिणाम होता है। और यही चीज़ें जो हैं हर बार के रिजल्ट में हम देखते हैं। इस बार के रिजल्ट की अगर बात करें तो जिस तरीके से जशपुर इलाके से तमाम बच्चे और बच्चियां जो हैं वो टॉप कर रही हैं, बालोद से हमने देखा है कि अधिकतर नाम बालोद जिले से भी हैं, तो बालोद जिला भी कोई बहुत बड़ा या शहर या बहुत बड़ा कैपिटल क्षेत्र नहीं है, उसके बाद भी वहाँ से बच्चे टॉप कर रहे हैं और ज़्यादातर ये वो स्कूल हैं। देखिए स्वामी आत्मानंद स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर, स्वामी आत्मानंद स्कूल, मतलब जितने भी स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं वहाँ पर टॉपर्स बच्चों की संख्या ज़्यादा है। ओवरऑल अगर परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज जो है वो पास रहा है 71.12%, ये रहा है रेगुलर वॉइस का जो लगातार पढ़ाई कर रहे थे। कुछ ऐसे प्राइवेट बच्चे जो हैं वो भी उनका परसेंटेज रहा है करीब 75%। तो ये परसेंटेज बताते हैं कि अब बच्चों की धीरे धीरे रुचि जो है पढ़ाई के प्रति बढ़ी है। एक बात और है, पिछले अगर 4 सालों की तुलना की अगर हम बात करें या 5 सालों की तुलना की बात करें तो करीब आप 5 सालों में हर एक बार परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दिया है। और 2024 का ये 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट आया है तो पिछले 5 सालों की तुलना में अब तक 7% की बढ़ोतरी हुई है रिजल्ट में, जो अपने आप में एक बेहद ही खुशखबरी कही जा सकती है कि बच्चों में अलख जग रही है। वो कुछ करने के लिए जो है वो सोच रहे हैं, अभी से वो प्लान कर रहे हैं कि उनको भविष्य में क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है और उसी हिसाब से वो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद वो टॉपर लिस्ट में अपनी जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चे टॉपर हैं, जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, जो देख पा रहा हूं 12वीं और 10वीं के अगर आप टॉप 5 बच्चों को उठाकर देखेंगे तो दोनों में मिलाकर कुल मिलाकर 5 बच्चे ऐसे हैं 10 बच्चों में से जो स्वामी आत्मानंद स्कूल से पढ़े हुए हैं। एक तो ये स्कूल किस तरीके से एक मॉडल के तौर पर पेश होता हुआ दिख रहा है, बच्चों की एजुकेशन को एक रिफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। दूसरा सवाल यह है कि बीते साल के रिजल्ट से इस साल के रिजल्ट की अगर तुलना की जाए तो कितना बेहतर यह दिखता है। देखिए मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा आदर्श, कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि पिछले 5 सालों की अगर तुलना में बात करें तो 2024 के रिजल्ट तक, मतलब 5 सालों से जो बढ़ोतरी हुई है परसेंटेज में, वो 2024 तक इसकी फीसद जो संख्या बढ़ी है वो 7% की बढ़ोतरी जो है वो 2024 तक हो चुकी है और ये ऐसी बढ़ोतरी जारी रहेगी वो ये रिजल्ट बताता है। क्योंकि टॉपर्स की अगर बात करें तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल यानी छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल से निकल कर आए हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी उस दौरान भी ये सरकारी स्कूल थे, लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद इन स्कूलों को अडॉप्ट किया गया अंग्रेजी माध्यम में बदलने के लिए, हिंदी माध्यम में बदलने के लिए, वो माध्यम कोई भी हो, लेकिन इन स्कूलों में बेहतर व्यवस्थाएं दी गई, हाईटेक बनाने की कोशिश की गई। ये इन स्कूलों को कंपेयर प्राइवेट स्कूल की से कंपेयर करके इनको बेहतर सुविधाएं जब सरकार ने देनी शुरू की तो
सुविधाओं का भी बहुत फर्क पड़ता है, ये रिजल्ट बता रहा है। क्योंकि टॉपर्स की अगर बात करें तो ज़्यादातर यानी 20 बच्चे हैं जो 10वीं में 10 बच्चे और 12वीं में 10 बच्चे, तो इसमें 20 बच्चों में से करीब 15 बच्चे तो ऐसे जो सिर्फ स्वामी आत्मानंद स्कूल से पढ़कर जो है वो टॉप करके आए हैं। हालांकि ये अलग अलग जिलों के स्कूल हैं, कोई बालोद से है, कोई महासमुंद से है, कोई जसपुर से है। तो ये बेहतर बात है कि अगर सरकार भी अगर शिक्षा के प्रति कोई ध्यान देती है तो उसका असर कहीं ना कहीं परिणाम के रूप में देखने को मिलता है, और वो परिणाम आज दिखाई भी दे रहा है। अभी भी बच्चों के लिए जो सुविधाएं बेहतर सरकार की तरफ से की गई थी उस सुविधा का लाभ बच्चों ने उठाया, और उस लाभ के कारण ही आज छत्तीसगढ़ में जो है टॉपर्स की संख्या देखने को मिल रही है। बधाइयां उनको मिल रही हैं, तांता उनको बधाई देने का लगा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के बच्चों में वो हुनर तो है जो हर बार का रिजल्ट बताता है, और इस बार के रिजल्ट भी बताता है कि बच्चे जो हैं वो कहीं से कहीं कम नहीं है। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद वो पुरानी योजना क्या दोहराई जाएगी, जो बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराई जाती थी, जो टॉपर बच्चे हैं जो प्रदेश में अलग अलग स्कूलों में जो जिन्होंने अपना प्रतिशत अच्छा रखा है, स्कूल में टॉप किया है, उनको हेलीकॉप्टर राइड कराई जाती थी। तो उसके एक वो भी एक कारण रहा है बच्चों में ये अलग थी कि अगर वो टॉप करेंगे तो उनको हेलीकॉप्टर राइड मिलेगी। पिछले साल की तुलना में अगर हम बात करें, लेकिन अभी तो बच्चों को ऐसे भी इंतजार करना होगा। अगर हेलीकॉप्टर की सवारी लेनी हुई है तो उसके लिए तो इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। और लेकिन एक बात बताइए अंकुश, आचार संहिता के दौरान कितना मुश्किल ये टीचर्स के लिए रहा कि समय पर कॉपीज की चेकिंग की जाए, क्योंकि इलेक्शन आचार संहिता लगी हुई है, टीचर्स जो है वह इलेक्शन ड्यूटीज में बिजी हैं, उसके बावजूद भी कॉपीज की टाइम टू टाइम चेक होना, और चेक होने के बाद पिछले साल की तुलना में इस साल मेरे ख्याल से पांच से छह दिन पहले रिजल्ट जारी किया गया है। तो कैसे ये सब चीजें मैनेज की गई और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कितना बड़ा रोल निभाया? देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल के रोल की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल हमेशा से बेहतर करने की कोशिश करता रहा है, और उसकी कोशिश का ही नतीजा है कि समय से ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पिछली बार जब हम अगर बात करें तो जब सरकार का गठन हुआ था, नई सरकार बनी थी, और शिक्षा मंत्री के तौर पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने जब मंत्री पद की शपथ ली थी, तो उस दौरान उन्होंने बातचीत में भी कहा था कि उनका दायित्व जो उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है, उस दायित्व के निर्वहन के लिए वो अभी से जुट गए हैं। और सबसे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का परीक्षा परिणाम जो है वो समय से घोषित हो सकेगा तो जो अगला जो सत्र है, अगली जो पढ़ाई है, वो बच्चे समय से कर पाएंगे। क्योंकि पिछले कोविड के दौर से हमने देखा है कि बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। कोविड के दौर में बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनका एक आकलन किया गया था, और आकलन के आधार पर उनको परीक्षा परिणाम उनके घोषित किए गए थे। फिर कोविड काल में ही एक समय ऐसा आया जब बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा देनी पड़ी, ऑनलाइन परीक्षा के बाद रिजल्ट आया। तो उस तरीके के रिजल्ट में बच्चों के मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाकई टॉपर हैं, जो हमेशा से टॉप करते आए हैं, और वो पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से कि वो स्कूल जाएंगे, परीक्षा में बैठेंगे, परीक्षा देंगे, और उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद कुछ बच्चों का रिजल्ट बिगड़ता हुआ है, और उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि उनको मौका जरूर दिया गया था, दूसरी बार भी मौका दिया गया था कि अगर वो चाहते हैं कि दोबारा उनको परीक्षा देनी है तो स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से व्यवस्था की गई थी। इस बार समय से रिजल्ट घोषित हुआ है, तो समय से रिजल्ट घोषित होने के बाद कहीं ना कहीं अब जो बच्चों की प्लानिंग है, जो 10वीं के बच्चे हैं उनको उनकी ये प्लानिंग है कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो 11वीं में प्रवेश करेंगे, स्कूल चुनेंगे। और जो 12वीं के बच्चे जो अब 12वीं में टॉप करके निकले हैं, तो वो अपने मन मुताबिक कॉलेज ढूंढ सकते हैं। कॉलेज ढूंढने के साथ साथ सरकारी व्यवस्थाएँ हैं, जो उनको सब्सिडी मिलेगी, जो उनको परसेंटेज के आधार पर जो व्यवस्थाएँ मिलती हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो तमाम चीज़ों की वो प्लानिंग कर सकेंगे और उसी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकेंगे। 12वीं के ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है छत्तीसगढ़ के बाहर पढ़ने जाएं, कोई दिल्ली जाए, कोई बॉम्बे जाए, कोई हैदराबाद जाए, लेकिन 10वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बेहतर व्यवस्थाएँ मिलने की उम्मीद यहाँ पर जग जाती है। क्योंकि समय से रिजल्ट घोषित हो गया है, तो समय के साथ वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, समय के साथ अगली कक्षा में वो प्रवेश करेंगे, और समय के साथ अगली कक्षा की वो तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है अंकुश, ये तो अच्छी बातें हो गई इस रिजल्ट को लेकर। जिन बच्चों ने टॉप किया हमने उनकी भी बात की, जिन बच्चों की तरफ से बेहतर परिणाम आए हैं उनको लेकर भी हमने उनसे भी चर्चा की, और ये तैयारियों को लेकर हमने चर्चा की, भविष्य को लेकर चर्चा की। लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट उनके मन के मुताबिक नहीं आया है, जो इस रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, या फिर कई बार हम ऐसी घटनाएं भी देखते हैं जो कि समाज के लिए बहुत चिंता की बात है, कि इस रिजल्ट को लेकर बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से
पल भर में जो खुशियां होती हैं या फिर पल भर में स्थिति कुछ और रहती है। हमने देखा है कि कितने बच्चे ऐसे आत्मघाती सुसाइड का कदम उठा लेते हैं इस रिजल्ट के बाद। ऐसे किसी प्रकार से सबसे पहले न्यूज स्टेट लगातार ऐसी अपील करेगा कि अगर इन मार्क्स को ही सब कुछ मानकर ना चले, भविष्य बहुत आगे पड़ा हुआ है, मेहनत करिए और आगे परिणाम बहुत बेहतर होंगे। अंकुश, में बिलासपुर के डीएम का भी ट्वीट पढ़ रहा था, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और इस रिजल्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं। तो उन्होंने अपना दसवीं का रिजल्ट भी जारी किया कि मैं तो भाई थर्ड श्रेणी से पास हुआ था और उसमें मेरे रिजल्ट ये रहा। उसके बावजूद भी जब सिविल एग्जाम की बारी आई तो मैंने पूरे देश में 77वीं अंक रैंक हासिल की थी। तो ये सिर्फ अंक, इसे सब कुछ मानकर ना चले, आप आगे भविष्य के लिए मेहनत करें, किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि रिजल्ट आपका आपके हिसाब से नहीं आया तो हाँ, इसके लिए कुछ प्रक्रिया जरूर है, उसे आप चेकिंग के लिए डाल सकते हैं, उसके लिए आवेदन दे सकते हैं और इसके cgbsc.nic